उत्तर प्रदेश में बीते दिनों धर्मांतरण रैकेट का खुलासा होने के बाद अब कानपुर में डिविजनल कमिश्नर रहे एक आईएएस अफसर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीनियर आईएएस अफसर इफ्खारुद्दीन का धर्मांतरण से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर एसआईटी की जांच बैठा दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वीडियो में इफ्खारुद्दीन अपने सरकारी आवास पर एक धर्म गुरु के साथ बैठकर कुछ लोगों को इस्लाम धर्म अपनाने के फायदे गिना रहे हैं। ये वीडियो ऐसे वक्त में सामने आया है जबकि मेरठ में धर्मांतरण रैकेट से जुड़े हुए कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उस समय का है जब इफ्खारुद्दीन कानपुर के डिविजनल कमिश्नर के पद पर तैनात थे। आरोप है कि आईएएस इफ्खारुद्दीन ने अपने सरकारी आवास पर लोगों को इस्लाम का पाठ पढ़ाया। वीडियो में एक मुस्लिम वक्ता वहां पर मौजूद लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करने के फायदे बताने के साथ ही घटनाएं भी बताते हैं। जिस वीडियो का जिक्र सामने आया है उसमें एक शख्स ये कहते सुनाई दे रहा है कि अल्लाह ने हमें यूपी के तौर पर एक ऐसा सेंटर दिया है जहाँ से हम पूरे देश और दुनिया में अपना काम कर सकते हैं। इस दौरान आईएएस इफ्खारुद्दीन जमीन पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि एक डिवीजन का कमिश्नर होने के वक्त इफ्खारुद्दीन एक धर्मगुरु के सामने जमीन पर बैठे हैं तो इसकी वजह क्या है। वायरल वीडियो में धर्मगुरु दावा करता हुआ नजर आ रहा है कि बीते दिनों पंजाब में एक शख्स ने इस्लाम कबूल कर लिया था। वो बताता है कि मैंने जब उससे इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी बहन की मौत के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। इस वीडियो में धर्मगुरु कहते हुए दिखाई दे रहा है कि उस शख्स ने मुझसे कहा कि बहन के मरने के बाद जब उसे जलाया गया तो उसका कपड़ा जल गया और वो निर्वस्त्र हो गई। वहाँ मौजूद सभी लोग उसे देख रहे थे, जिसे देखकर मुझे शर्म आई। इसके बाद मुझे लगा कि आज जो लोग मेरी बहन को देख रहे हैं कल वो मेरी बेटी को भी देखेंगे। इसी कारण मैंने इस्लाम कबूल किया, क्योंकि इससे अच्छा कोई धर्म नहीं है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार के संज्ञान में फिलहाल ऐसा कोई वीडियो नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसकी गंभीरता से जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले धर्मांतरण के मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है। एक वायरल वीडियो मेरे संज्ञान में आया जिसमें एक व्यक्ति अपने आवास पर कुछ हिंदू और सनातन धर्म के विपरीत अपनी बात कह रहा है, अनर्गल टिप्पणी कर रहा है और उसके साथ ही साथ वो इस्लाम के बारे में लोगों को धर्म परिवर्तन करने और धर्मांतरण की बात कर रहा है। उसको गहराई से देखने पर पता चला कि वो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर इफ्तखारुद्दीन जो कानपुर में मंडलायुक्त थे और विभिन्न पदों पर प्रशासनिक पदों पर रह चुके हैं, उद्योग निदेशक भी थे वो, उनके द्वारा ये वीडियो बनाया गया है, उनका वीडियो है वो। और किसी आईएएस अधिकारी को इस तरह से राजकीय आचरण के विपरीत इस तरह का कार्य करना, ये राजकीय आचरण के विपरीत है और ऐसे कार्य करने वाले अधिकारी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकता है। मेरे संज्ञान में आते ही हमने माननीय मुख्यमंत्री को उस संबंध में पत्र लिखा और उनसे इस वीडियो की पुष्टि कराने और उस पर जांच कराने की मांग की गई है। अगर वीडियो उनके द्वारा उन्हीं का वीडियो है, इफ्तखारुद्दीन का ही वीडियो है, तो निश्चित तौर पर ये अपराध है और इस अपराध की संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप उनको दंड मिलना चाहिए और इस तरह के कार्य और लोग ना करें, इस तरह की सज़ा उनको निश्चित रूप से मिलनी चाहिए ताकि इस तरह के कार्यों पर रोक लगाई जा सके। नहीं, निश्चित रूप से यह स्पष्ट हो रहा है कि वो अधिकारी एक धर्म विशेष की बात कर रहे हैं, एक धर्म विशेष को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रहे हैं और इस तरह की बातें फैला रहे हैं, जिससे आपने देखा होगा कि अभी तमाम मामलों में ATS ने कार्रवाई की धर्मांतरण पर। अभी तमाम बहुत सारी खबरें आई हैं और तमाम लोगों कई लोगों को पकड़ा भी गया इस मुद्दे पर, तो ये हमारे देश की व्यवस्था के विपरीत है। इस देश की जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसके बिल्कुल विपरीत है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।
इससे हिंदू धर्म की और सनातन धर्म की भावनाएं भी आहत हैं, हुई हैं, और लोगों में इस पे इस वीडियो को लेकर आक्रोश भी है। तो निश्चित तौर पर मेरी मांग है माननीय मुख्यमंत्री से, इस पर कड़ी से कार्रवाई की जाए और उनको सजा दिलाई जाए।